अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फोरेक्स की सेंसिटिविटी के बारे में जानेंगे, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी हमने अपनी मेन चीज़ की तरफ आना है, जो क्या है, रिक्वायर्ड। आप देख सकते हैं आप स्कोप ऊपर की तरफ जा रही है, टारगेट पे लॉक नहीं हो रही। इसके लिए भी आपको सिंपली अपनी सेंसिटिविटी में जाना है, वहाँ पर आपने एडीएस सेंसिटिविटी में जाना है। आप देख सकते हैं फोरेक्स की सेंसिटिविटी 200 पे थी, जो काफ़ी लो थी। अभी हम इसको 235 पे करेंगे। अभी आप रिकॉइल देख सकते हैं, जो कि पहले से बहुत बेस्ट हो गया है। आपकी सेंसिटिविटी अब काफ़ी बेस्ट हो जाएगी। अभी आप चेक कर सकते हैं आपकी फोरेक्स की सेंसिटिविटी पहले से बहुत बेस्ट। आप देख सकते हैं जैसे हम स्कोप को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है। आपने सिंपल अपनी सेंसिटिविटी में जाना है, वहाँ पे आपने जीरो सेंसिटिविटी में जाना है। फोरेक्स की जीरो सेंसिटिविटी आपने देखनी है, तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी लो है, जिसकी वजह से मूवमेंट अच्छे से नहीं होती। इसके लिए आपको करना क्या, आपको इसे थोड़ा सा इनक्रीज़ करना है। आपने तकरीबन 230 रख लेना और चेक करना है आपकी मूवमेंट कैसी हो रही है। अभी आप देख रहे हैं कि मूवमेंट पहले से बेहतर है, लेकिन इतनी फास्ट नहीं है। तो आपने अपनी सेंसिटिविटी में दोबारा जाना है, वहीं जीरो सेंसिटिविटी आपने देखनी है, वहाँ पे जाके आपने इसे 300 कर लेना है। अब आप देखेंगे आपकी मूवमेंट पहले से कई गुना बेस्ट हो जाएगी। अब आपकी स्कोप एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजीली टर्न होगी। इसका आपको बेस्ट बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आपके सामने दो टारगेट आते हैं, दो एनिमी आते हैं, तो आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह टारगेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी स्कोप ओपन करेंगे, स्कोप भी क्विक ओपन होगी और आप लेफ्ट राइट मूवमेंट भी इजीली कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि है ब्रेक। आप देख सकते हैं कभी कभी मूवमेंट लेफ्ट राइट होती रहती है, तो इसके लिए बेस्ट ग्रिप है एंगुलर फोर ग्रिप, जो फोरेक्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। आप इसको यूज़ करके अपना रिकॉइल इससे भी कम कर सकते हैं, ज़ीरो रिकॉइल कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।